नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन और सीजीएल के एग्जामिनेशन जो लगने वाली है, इस चीज़ को एग्जामिनेशन को नियरेस्ट में देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लगातार करवा रहे हैं, ताकि आपको जो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, डाउट ना हो, और अपने आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट को देते हुए आप पहली दफ़ा जो है अपने परीक्षा जो है पास कर ले। तो इसीलिए आप सभी के लिए हमारे चैनल बने हुए हैं, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से फटाफट जो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। जुड़ने के बाद जो है आप इस चैनल में क्लिक करके जुड़ जाएं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट जो है यहाँ पर आएं और यहाँ पर सेलिब्रेट करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें, और जुड़ने के बाद जो है आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि फटाफट जो है यहाँ पर कर दें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बताते हैं आगे की ओर किस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है वेन्यू का नाम यहाँ पर लिखे रहेंगे, फिर टेस्ट का टाइम यहाँ पर, जैसे कि टेस्ट है 1 से 2 बजे के बीच में ये परीक्षा हुए थे, और जो एग्जामिनेशन हुए था 8 जुलाई को ये परीक्षा जो हुए थे, जिसमें से यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन हम यहाँ पर देने वाले। आपको बता दें कि मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का बात करते हैं 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, और जीके में भी 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार से टोटल जो 100 क्वेश्चन रहते हैं, और 101 घंटा के समय दी जाएगी, जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन जो सॉर्ट आउट कर लेने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको जो है सबसे पहले जीके का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर मैथ का, रीजनिंग का, फिर सारे का सारे सब्जेक्ट का आप तक जो है पहुँचा देंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए भगाते हैं वीडियो को, और आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए यहाँ पर जो है हम आपके लिए रखे गए हैं। वीडियो के साथ जो है जरूर से ज़रूर बने रहिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाले, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है वीडियो, इसलिए वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, तो जनरल अवेयरनेस का पहला पार्ट में हम ये सब सारा क्वेश्चन करवा दिए थे, अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है उसी के विषय में यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेकेंड पार्ट में आपके यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर हम आप सभी के पास जो है प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर आप सभी के पास जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं निकल के, लिखेंगे बीम शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, इस शब्द का अर्थ संख्या छपी हुई सीट होता है, दौड़ होता है, फुटबॉल होता है, टॉल टेनिस, लॉन टेनिस होता है, या हॉकी होता है। तो इसका सही आंसर होगा दौड़। जो कि दौड़ को क्लिक किए उनका जवाब जो है बिल्कुल भी सही रहा, जो दौड़ को क्लिक किए उनका जवाब जो है सही रहा। आइए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट देखते रहें। लिखेंगे रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रिया से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है, तो लिखा हुआ है सेलुलोज से बना होता है, इम्पोक्सी से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, या टेफ्लोन से बना होता है। यह जो बना होता है दोस्तों सेलुलोज से बना होता है, किससे, सेलुलोज। आइए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन लिखेगी, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के रूप में, या 8 के रूप में, 1 के रूप में, या 11 के रूप में। ये जो जाना जाता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग NH कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग NH के नाम से जानते हैं, वो जो है NH1 के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो के साथ बने रहिएगा जरूर, वीडियो पसंद लग रहे लाइक जरूर करें। लिखेंगे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर में पेश किया गया था, 1991 में पेश किया गया था, 2014 में, 1993 में, या 2004 में। ये जो पेश किया गया था 1993 में, याद रखिएगा दोस्तों 93 में यह जो पेश किया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुके। लिखेंगे 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डॉट ने हमला किया था, तैमूर ने हमला किया था, या चंगेज खान ने किया था, मलिक काफूर ने किया था, या मोहम्मद गोरी ने किया था। यह जो है काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर आप इसको रीड करें। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर को क्लिक किए, उनका जवाब बिल्कुल भी सही रहा।
आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में जो है पूछने की यहाँ पर संभावना है। दोस्तों यहाँ वही क्वेश्चन आप सभी के पास प्रस्तुत करते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में जो है पूछने वाले हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन हम आपके पास नहीं प्रस्तुत करते क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है और आपके पास भी यहाँ पर समय नहीं है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है जो गेसेस किया गया हमारे टीम के माध्यम से वही क्वेश्चन आप सभी के पास प्रस्तुत जो करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखे गए भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? तीसरा था, पहला था, दूसरा या चौथा? यह जो था सेकेंडवा स्थान था, दूसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से भवैया लोकगीत संबंधित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या पश्चिम बंगाल? यह भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा VVI, इसलिए ज़रूर आप इसको रीड करें। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन चार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोस्ट 25 क्वेश्चन में और कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लिखे गए हैं 2018 में रेमन मैगसेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दो भारतीय व्यक्ति भारत वटवानी और डॉट डॉट थे। पहले लिखे गए सत्यभामा दास बीजू थे या सोनम वांगचुक थे या राजेंद्र सिंह या अरविंद केजरीवाल? तो ये जो थे सोनम वांग चूक, जो ऑप्शन टू को क्लिक किए जो कैंडिडेट उनका जवाब सही रहा। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं एक बाज़ार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाज़ार में ऊंची कीमत पर वैसे ही संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में डॉट डॉट कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है, गिरवी कहा जाता है या अंतरपणम कहा जाता है? ये जो कहा जाता है अंतरपणम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए हैं डॉट डॉट बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, क्या कहलाता हुआ? वो जो कहलाता है हिमस्खलन कहलाता है, चक्रवात, ज्वालामुखी या तूफान? यह जो कहलाता है दोस्तों हिमस्खलन, जो कैंडिडेट हिमस्खलन को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही रहा। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। लिखे गए डॉट डॉट वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं या वर्षण कहते हैं या निस्तारण कहते हैं या संघनन कहते हैं? यह जो कहते हैं संघनन, यानी जो कैंडिडेट ऑप्शन चार को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। ये दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में जो है बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों डॉट 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 ने सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, अहमद शाह तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? यह जो लूटा था दोस्तों मोहम्मद गजनवी, जो कैंडिडेट ऑप्शन टू को क्लिक किए उनका जवाब सही रहा। दोस्तों ये जो थे मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और आपके एग्जामिनेशन में जरूर से ज़रूर इन सारे क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरह से रीड कर लें। आपके आने वाले SSC, CGL, CHSL, MTS, LDC सारे परीक्षाएं में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इन सारे क्वेश्चन को जरूर रीड करें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगे, हमारा मेहनत पसंद लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो फटाक से सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा के जुड़ जाए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपने अपना कीमती समय देकर अंतिम तक वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।